फ्रेंड्स नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से MDDTI मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या होता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। पहले क्या था, जैसे अब मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया। पहले यही नाम जो है DTC बोला जाता था, डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर। तो एक्चुअली नाम सिर्फ चेंज है, बाकी एक्चुअली जो है ट्रेनिंग जो जैसे डिवीज़न में आप देखते होंगे सारे जो विभाग होता है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो ट्रेनिंग होता है, इसके अलावा ऑपरेटिंग का होता है जैसे पॉइंट्समैन वगैरह का जो देखेंगे, इसके अलावा जैसे कैरेज एंड वैगन का होता है, इस तरीके का जो है जो ग्रुप डी स्टाफ वगैरह जो होता है उन लोगों का जो है एक्चुअली ट्रेनिंग का जो सेंटर होता है डिवीज़न में रहता है, जिसको पहले जो है DTC बोला जाता था, डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर DTC, लेकिन उसका अब नाम चेंज कर दिया गया है, उसी का अब MDDTI कर दिया गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसलिए कर दिया गया है ताकि बहुत सारे जो विभाग है रेलवे का, अलग अलग विभाग है जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट है, इसके अलावा जैसे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, S&T डिपार्टमेंट है, तो जितने भी विभाग हैं उसका एक ट्रेनिंग करवाया जाता है डिवीज़न में ग्रुप डी स्टाफ को, तो उसको जो है एक्चुअली MDDTI अब कहा जाएगा, पहले DTC बोला जाता था। ये जो है DTC जो है हर एक जो डिवीज़न जो रेलवे का होता है वहाँ पे रहता है, सिर्फ नाम में तब्दीली हुआ है, बाकी आपका जो ट्रेनिंग में जो पढ़ाई वगैरह जो होता है वो सेम ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी इसलिए ऐड कर दिया गया है, ऊपर से ऑर्डर होगा रेलवे बोर्ड वगैरह का कि एक्चुअली अलग अलग जैसे रेलवे का जो विभाग है उसका ट्रेनिंग करवाया जाता है, तो इसीलिए आप जो है इसको मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही सब कुछ कारण है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से MDDTI क्या होता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।